पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुजरात की हार को लेकर कहा कि गुजरात पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह प्रदेश है, इसलिए मतदाता प्रभावित हुआ है। वहीं उन्होंने सीएम शिवराज के अधिकारियों को मंच से सस्पेंड करने को लेकर कहा कि वो मंच से सिर्फ सस्पेंड करते हैं, कागजों में कुछ नहीं करते। कमलनाथ ने कहा बीजेपी के पास पैसा, पुलिस और प्रशासन बचा है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सस्पेंड करने की नाटक नौटंकी करते हैं, ये सिर्फ मंच से सस्पेंड करते हैं, क्या कागज में किया। उन्होंने कहा बीजेपी बौखलाई हुई है, मीडिया में बने रहने का उपाय ढूंढ रहे हैं, इनके पास पुलिस, पैसा और प्रशासन ही बचा है। वहीं उन्होंने गुजरात चुनाव की हार को लेकर कहा कि हार की प्रमुख वजह ये है कि वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह जिला है, इसलिए वोटर प्रभावित हुआ है। मैं मानता हूँ कि गुजरात में जो कारण थे उसमें से बड़ा कारण था कि वो गृह प्रदेश है मोदी जी का और अमित शाह का, मतदाता कुछ प्रभावित हुआ। ये उनकी नाटक नौटंकी है दिखाने के लिए। मंच पर तो कह देंगे मैंने सस्पेंड कर दिया, पर क्या कागज में किया। देखिए ये अब बौखलाए हुए हैं, कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहे हैं अपने यहाँ मीडिया में रहने के लिए। बस इनके पास जो हमेशा कहता हूँ बचा है पुलिस, पैसा और प्रशासन। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।